Hello friends and welcome back to the market analysis video for 7th of February 2023 and I'm Anshul Jain. Nifty में narrow range inside session की formation हुई और हम expect भी कर रहे थे morning webinar में कि previous month close 17,798 तक pullback आती है तो एक opportunity होगी long की, लेकिन किसी भी तरह के follow through move देखने के लिए नहीं मिला है। child bar की high 17,867 के ऊपर follow through move मिलता है तो weekly chart पे जो mini coil pattern form हुआ है उसका lower end 18,024 पर retest होता हुआ दिखेगा जहाँ channel का top भी है। बैंक निफ्टी में भी नैरो रेंज सेशन की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर प्रीवियस क्लोज 41,063 प्रोटेक्ट होता है तो एक स्नैप बैक रैली लोअर एंड ऑफ द मिनी कॉइल पैटर्न 42,015 तक टेस्ट करेगी और ये लेवल स्लाइस थ्रू होता है तो पुल बैक एक्सटेंड होगा 42,450 के आसपास तक। स्टॉक टू आज की सीरीज में जो पहला स्टॉक आपकी वॉलिस्ट में होना चाहिए वो है DLF का। इस रेंज के ब्रेकडाउन को किसी तरह का फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है तो ऑन दी अपसाइड प्रीवियस मंथ क्लोज 359 सरपास होता है तो लॉन्ग से एक्युमुलेट करना चाहिए प्रीवियस मंथ मिड 368 तक का व्यू लेते हुए। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक जो आपकी वॉलिस्ट में होना चाहिए वो है इंडसइंड बैंक। बजट डे के हाई के ऊपर निकलता हुआ दिखा है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सेक्टर रोटेशन। यहाँ से फॉलो थ्रू मूव ऑन दी अपसाइड अगर आज के हाई 1137 के ऊपर मिलता है तो लॉन्ग से एक्युमुलेट करना चाहिए प्रीवियस मंथ मिड 1172 पहला टारगेट रहेगा। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। दिस इज अंशुल जैन साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।